Hi, I'm Girish Malik, and you're watching India Glitz TV. When I was acting, in one side I used to act, and मैं सोचता था कि अच्छा ये shot अगर मैं ऐसे देता और ऐसे करता तो मैं ऐसे बोलता. So you know, जब मेरी वो direction, जब मेरी acting चल रही थी तो मेरी direction मेरे साथ में चलती थी. एक time आ गया था कि मुझे लगा था कि मुझे कुछ और भी करना है. मतलब life is short and I have lot to offer, and plus you know my exposure, my traveling around internationally, I've traveled so much, being a classical, semi-classical dancer, actor, this, that, you know, helped me. I thought like I should turn myself into director, and even in television I have directed over hundreds of hours in television already. Yeah. So before I started, though Jal is my first film, but मैंने बहुत हज़ारों घंटे का टेलीविज़न प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, तो इन अ वे आई एम नॉट न्यू. एक तो जल सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये जल कहानी है राकेश मिश्रा की, जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है. और उसने सबसे पहले जब इस आइडिया को मुझे कई साल पहले बताया, तो एक बड़ा छोटा सा आइडिया था कि यार गिरीश हम एक छोटी सी फिल्म करते हैं. पर जब उसने मुझे आइडिया बताया, तो मेरा एक आदत है कि मेरे इसमें लोगों मेरे को अक्सर बोलते हैं कि बात करते करते कहीं चले जाते हो तुम, तो इसे क्या हो गया. ऐसे नहीं नहीं यार राकेश, तुम खुद नहीं जानते ये क्या है, ये छोटी फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है. नहीं नहीं सर, बनाते एक छोटी सी लव स्टोरी अपना रिश्ते में बना देते हैं. और सर नहीं, सम हाउ आई एम थैंक गॉड दैट वी नेवर मेड दैट आइडिया देन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस फिल्म लार्जर. एंड उसकी वजह से कुछ टाइम लगा, फिर हम लोगों ने इस फिल्म को डॉकी ड्रामा से, शॉर्ट फिल्म से एक बड़ी फिल्म की कोशिश की, फिर बहुत बड़ी. देन वन फाइन डे आई वाज वेरी क्लियर द हाउ आई वांटेड टू शूट दिस फिल्म, एंड देन वी केप्ट ऑन राइटिंग स्क्रीन प्ले. मैं और राकेश बैठ के लिखते रहे, सोचते रहे, बातें करते रहे, घूमते रहे, और फिर फाइनली यू नो दिस फिल्म इज मेड. एंड द वे इट्स लुकिंग इज बिकॉज वी स्टेड विद द स्टोरी फॉर सो लॉन्ग. मेरा एक ही स्टार कास्ट को फाइनलाइज करने का एक ही रीज़न था और एक ही तरीका है. अच्छे एक्टर्स होते हैं, बुरे एक्टर्स होते हैं, टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं, और एक विलिंग एक्टर्स होते हैं. जो विलिंग एक्टर्स होते हैं वो आपकी स्क्रिप्ट को कहीं गुना आगे लेके चले जा सकते हैं, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो डायरेक्टर फिर भी संभाल सकता है. लेकिन अगर आपका एक्टर ही विलिंग नहीं होगी, मैंने बोल दिया खत्म. इफ़ वी आर नॉट हेयर टू सपोर्ट ईच अदर, फॉल इन लव विद द स्टोरी, गेट कम्फर्टेबल, तो थिंग्स अराउंड इट. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वर्क विद पीपल लाइक पूरब कोहली, मुकुल देव, कीर्ति कुलारी, तनिष्ठा चैटर्जी. आई मीन कीर्ति हैज डन शैतान एंड खिचड़ी एंड ऑल दैट, बट आई थिंक शी दिस इज समथिंग एल्स फॉर हर. आई मीन एवरीबडी इज कॉलिंग हर इल्यूमिनस इन द फिल्म, लाइक इंटरनेशनली प्रेस एवरीबडी इज कॉलिंग पूरब. आई हैव नो डाउट अबाउट इट दैट ही शुड बी वन ऑफ द टॉप एक्टर्स, बिकॉज ही इज समवन हु सो, मतलब वो इतना एक अच्छा इंसान है, एक ऑनेस्ट इंसान है, और उसको देख के लगता है कि यार वो अ मैन विद ब्रेन्स, और फिर भी हम्बल है और बहुत ट्रस्टवर्दी है. तो एक जब ऐसा कंफर्ट लेवल आपके साथ आ जाता है एक एक्टर के साथ, तो देन यू कैन डू वंडर्स. एंड आई थिंक आई होप इट इज़ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक आई होप इट चेंजेस थिंग्स फॉर पूरब. एंड आई इन हार्ट्स ऑफ हार्ट आई नो कि उसका इस फिल्म के बाद बहुत कुछ हो जाएगा. एंड ही डिजर्व्स वेयर यू नो वेयर आई थिंक दिस फिल्म शुड टेक हिम. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये फिल्म कोई फेस्टिवल्स के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि होता है ना, लोगों का ये माइंडसेट है कि अगर फेस्टिवल की फिल्म है तो बड़ी छोटी सी फिल्म होगी, बड़ी गरीब सी फिल्म होगी, और बड़ी बोरिंग सी फिल्म होगी, और पता नहीं समझ में नहीं आएगी, 10 में से 2 लोगों को समझ में आएगी जो बड़ी इंटेलेक्चुअली बात करेंगे. मैं इस तरह का इंसान ही नहीं हूँ कि जो सिर्फ 2 लोगों को खुश करना चाहता हूँ. मैं अगर 10 लोगों से बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉइंट जो है 10 लोगों तक पहुँचे. ये मेरी एक बेसिक नेचर है. मैंने ये अपनी फिल्म अपने इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई थी. अब ये अच्छा है कि ये फिल्म चली गई और इंटरनेशनल में चली गई, दैट्स बिकॉज अच्छी से अच्छी स्टोरी को भी मैं, बिकॉज मेरी मुझे एस्थेटिकली ही देखना है फिल्मों को, और मैं एस्थेटिकली सोचता हूँ पिक्चरों को, तो उसकी वजह से शायद ये फिल्म क्लासेस को भी अच्छी लग रही है और मासेस को भी अच्छी लग रही है, बिकॉज मैंने बेसिकली बनाई मासेस के लिए, बट उसको मैंने आर्टिस्टिकली शूट किया, तो इसकी वजह से शायद वो इंटरनेशनल ऑडियंस, फॉरेन ऑडियंस, उनको भी अट्रैक्ट कर रही है. तो वेरी राइट, बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही भी है, शूटिंग से लेके, एंड से लेके, मार्केटिंग से लेके, पीआर से लेके, हर चीज़ हैज़ नॉट बीन ईजी. एंड बट आई ऑलवेज बिलीव कि यस, पेन इज़ टेम्प्रेरी बट फिल्म सिनेमा इज़ फॉर एवर, सो समबडी सेड वंस, सो आई बिलीव इन इट. बट मुझे कोई उस बात की वो ऐसी दिल में कोई वो नहीं है, तकलीफ़ नहीं है.
ये ज़रूर है कि चीज़ें अगर आसान हो जाएं तो काफ़ी फिल्म मेकर्स और अच्छी फिल्में बना सकें, बट आई थिंक द टाइम्स आर चेंजिंग। अभी वो सब चीज़ें बदल रही हैं, मतलब काफ़ी बदल गई हैं और काफ़ी और बदल रही हैं। बट टुडे इन सिनेरियो येस, इट इज़ वेरी टफ, बट वी आर फॉर्चुनेट, वी आर लकी नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक डार ऑन बोर्ड, एंड उनकी इंटेंशन इतनी करेक्ट है। उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, डी डे हो गई, लंच बॉक्स है, मिकी वायरस है, और भी ऐसे, दे आर सपोर्टिंग गुड सिनेमा। सो आई थिंक ज़रूरी नहीं कि आपने 25 फिल्में बनाई, आपने कितनी कम फिल्में बनाई और कितना बड़ा मार्क किया है, तो उससे उनकी आपकी इंटेंशन समझ में आती है। यू नो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, यू नो डिस्ट्रीब्यूशन टीम इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पैशनेट टीम। तो आई थिंक आई एम इन सेफ हैंड्स। मेरा झुकाव ये है कि मेरे को इस फिल्म से जनता को अच्छा लगे और जनता खुश हो, और सबसे पहले अगर जनता खुश हो जाएगी तो मुझे सारे क्लेम मिल जाएंगे। बाकी अगर क्रिटिक्स क्रिटिक्स हैं तो अच्छी चीज़ को सराहेंगे और बुरी चीज़ को बुरा बोलेंगे, तो मेरे मन में ऐसा फीलिंग है कि वो सराहेंगे।